हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सभी के एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बात है कि यूनियन सुपरवाइजर का जो टॉपिक है जीके बेस स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके, तो वहाँ पे सबसे पहला एक टॉपिक है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज एंड देयर अचीवमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल और इंटरनेशनल। ये पर्सनैलिटीज़ हैं, एसआई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आफ्टर दैट और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी पीडीएफ्स होती है हमें वहाँ पर शेयर करनी पड़ती है। जो इससे पहले हमारा यूनियन सुपरवाइजर का जीके की जो पॉपुलर पर्सनैलिटी थी, जो स्पेशल आपका एक टॉपिक है जीके 20 मार्क्स का, उसमें जो पॉपुलर पर्सनैलिटी थी उनकी पीडीएफ में आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें आप लगभग 60+ पर्सनैलिटीज हमने डिस्कशन की गई हैं। तो होप सो एक ना एक आधी एग्जाम में आ ही जाए, तो हो भी सकता है कि नहीं भी आ सकती है। किसी ना किसी जो आपका सेट होगा, आई मीन टू से कि जो आपकी शिफ्ट होगी उसमें तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो ये भी कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनका इंडिया में नेशनल की अगर बात करूं तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की हैं यहाँ पे इंडिया में, तो उनकी बात करें कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पर्सनैलिटीज़ है एनआई बेसेंट। एनआई बेसेंट जो फर्स्ट पर्सनैलिटी है, उन्होंने फाउंड किया थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया। हु इज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने होम रूल लीग भी स्टार्ट की थी, ठीक है। प्रेजिडेंट थे कलकत्ता सेशन के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1917 में, ठीक है। याद रखना इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट के रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कौन सी बात है जो किसके द्वारा की गई, स्टार्ट किसने की होम रूल लीग। उसके बाद आता है अच्युत पटवर्धन, फाउंडर मेंबर है कांग्रेस सोशल पार्टी के। इसमें और भी बहुत सारे थे पार्टी के मेंबर हैं, ये भी एक मेंबर हैं कांग्रेस सोशल पार्टी के, ठीक है, और एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे थे क्यूट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ अजीत सिंह की, अजीत सिंह है एक फाउंडर द भारत माता सोसाइटी, एक्टिव मेंबर ऑफ द गदर पार्टी। तो इन्होंने भारत माता सोसाइटी के फाउंड की थी, उसके बाद है एक्टिव मेंबर भी थे गदर पार्टी। गदर पार्टी के आप सबको बारहवीं में पता ही है कि गदर पार्टी में क्या क्या हुआ था। ए के फजूल हक जो पर्सनैलिटी है वो मेंबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, ठीक है, और इन्होंने रिप्रेजेंटेड की थी द लीग इन द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इन्होंने कृषक राजा पार्टी के भी ये फाउंडर है, 1937 में ये फाउंड हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमृत लाल बिथालाल ठाकर, ये फाउंडर हैं बिल सेवा मंडल के और मेंबर हैं भारतीय अदमाजती संघ के, ठीक है। उसके बाद अरुणा असफ अली जो हैं, अरुणा गांगुली भी इनको बोलते हैं, इंडिया के फर्स्ट जो एम्बेसडर हैं, जो इंडिया के जो ऐसे वो फर्स्ट पर्सन हैं जो एम्बेसडर थे यूएसए में, ठीक है। इलेक्टेड एज द फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली इन 1958। हु वाज द फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। शी वाज अवार्डेड द इंटरनेशनल लेनिन प्राइज 1964। इनको इंटरनेशनल लेनिन प्राइज भी मिला और ये 1964 में मिला था, ठीक है। ये पर्सन फीमेल हैं, ठीक है। उसके बाद आती है एक आपकी पर्सनैलिटी भगत सिंह, मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको HSRA हसरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, सॉरी। ही स्टार्टेड द मिलिट्री नौजवान भारत सभा इन पंजाब। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसने मिलिटेंट, इधर तीर आएगा, ठीक है, मिलिटेंट नौजवान भारत सभा की थी जो पंजाब में हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी, ये की थी भगत सिंह ने, ठीक है। तो इन्होंने साउंडर को भी मारा था, अगर आपने फ्रीडम फाइटर के पढ़ी हैं उसमें आप लोग पता है कि साउंडर कौन था, ठीक है, 1920-29 जब साइमन कमीशन आए थे, लाला जी को वहाँ पे मार दिया गया था एयरपोर्ट पे, जब वो कर रहे थे गो बैक साइमन, तो उधर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद भगत सिंह ने क्या किया, जो वहाँ के पुलिस थे उनका नाम था ASP थे आई थिंक, वो उन मारने किसी और को गए थे पर मार किसी और को आए थे, ठीक है, उसकी वजह से भी एक काफ़ी सारा इशू क्रिएट हुआ था वहाँ पे, तो उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। तो बस मैंने एक ऐसे ही लेक्चर डेमो के लिए रखा था कि देखूंगा ये पर्सनैलिटी बच्चों को कैसी लगती है, क्योंकि ये अलग से पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। हमने तो वो पढ़ ली पर्सनैलिटी, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, उनके नेम जो भी थे,
पर ये पर्सनैलिटीज़ हैं ये थोड़ी अलग से होंगी, इसमें थोड़ी इंटरनेशनल लेवल की भी होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट या दो पार्ट में इसको जल्दी से कवर अप कर देंगे हम, ठीक है। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।